हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी गाइस। मैं आप लोग के लिए फिर से करवा चौथ स्पेशल न्यू वीडियो लेकर आ गया हूं। बस आपको इसके लिए क्या करनी है, इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहनी है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ इस नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है काइन मास्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली हम काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। अब क्या करनी है फ्रेंड, जो प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको 16:9 के ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, जो मीडिया का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ सबसे पहले आपको बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम सबसे पहले बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। अब क्या करनी है आपको, डबल हॉट पीएनजी को सिलेक्ट करनी है। इसके लिए क्या करनी है फ्रेंड, जो लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ से आपको डबल हॉट पीएनजी को सिलेक्ट कर लेनी है, उसको कहाँ से डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली हम डबल हॉट पीएनजी को सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको डबल हॉट पीएनजी के लेयर पे क्लिक कर इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है आपको, इस डबल हॉट पीएनजी के साइज को थोड़ा सा बढ़ानी है और इसको यहाँ पर साइड में लाकर अच्छी प्रकार से फिट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम डबल हॉट पीएनजी को अच्छी प्रकार से फिट कर दिए हैं। अब क्या करनी है आपको, इस डबल हॉट पीएनजी को कलर करनी है। इसके लिए क्या करनी है फ्रेंड, जो लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ से आपको उस करला वीडियो को सिलेक्ट कर लेनी है, उसको कहाँ से डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली हम कलरला वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, इस कलरला वीडियो को यहाँ से रोटेट करनी है और इसको हॉट के पीएनजी के ऊपर लाकर अच्छी प्रकार से फिट कर देनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको नीचे आनी है, यहाँ जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस ओवरले का ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा डबल हॉट पीएनजी कलर हो गया है। अब क्या करनी है आपको, जिसके फोटो पर वीडियो बनना चाहते हैं उसके फोटो को सिलेक्ट करनी है। इसके लिए आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ आप जिसके फोटो पर वीडियो बनना चाहते हैं उसके फोटो को सिलेक्ट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम उस फोटो को सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको इस फोटो कलर पे क्लिक कर इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है आपको, इस फोटो के साइज को थोड़ा सा बढ़ानी है और इसको यहाँ पर अच्छी प्रकार से फिट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फोटो को अच्छी प्रकार से फिट कर दिए हैं। अब क्या करनी है आपको, वार्डड्रॉप पीएनजी को सिलेक्ट कर लेनी है। इसके लिए क्या करनी है आपको, फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ से आपको वार्डड्रॉप पीएनजी को सिलेक्ट कर लेनी है, उसको कहाँ से डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली हम वार्डड्रॉप पीएनजी को सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको इस वार्डड्रॉप पीएनजी के लेयर पर क्लिक कर इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है आपको, इस वार्डड्रॉप पीएनजी को फोटो के नीचे लाकर अच्छी प्रकार से फिट कर देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ फोटो को भी अच्छी प्रकार से फिट कर दिए हैं। अब क्या करनी है आपको, फोटो के नीचे हैप्पी करवा चौथ लिखनी है। इसके लिए क्या करनी है आपको, फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस टेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको सबसे पहले हैप्पी लिख लेनी है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको हैप्पी वाला टेक्स्ट लेयर पे इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है, डबल का ऑप्शन दिया हुआ है उसको क्लिक करनी है। यहाँ आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएगा, जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई भी टेक्स्ट डाउन करना चाहते हैं तो ऊपर बास के ऑप्शन क्लिक करके आप कोई फॉन्ट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं।
अब क्या करनी है फ्रेंड, जो कलर का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको नीचे आनी है, यहाँ जो आउटलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और इसको यहाँ से अनबॉक्स। अब क्या करनी है फ्रेंड, जो कलर का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, जो नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसको यहाँ से प्लस 5 पर सेट करनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक आनी है और क्या करनी है फ्रेंड, जो शेडो का ऑप्शन दिया हुआ है उसको क्लिक करनी है और इसको भी यहाँ से अनेबल कर देनी है। अब क्या करनी है फ्रेंड, जो नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसको भी यहाँ से प्लस 5 पर सेट करनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, आपको इस हैप्पी वाला टेक्स्ट के साइज को बढ़ानी है और यहाँ पर नीचे लाकर अच्छी प्रकाश फिट कर देनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम हैप्पी वाला टेक्स्ट को अच्छी प्रकाश फिट कर दिए हैं। अब क्या करनी है, आपको इसके नीचे करवा चौथ लिख देनी है। फ्रेंड, जैसे हमने हैप्पी वाला टेक्स्ट को लिखा है ठीक, आपको वैसे ही लिख लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम करवा चौथ भी लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम करवा चौथ के टेक्स्ट को भी अच्छी प्रकाश फिट कर दिए हैं। अब क्या करनी है, आपको इस टेक्स्ट को कलर करनी है। इसके लिए क्या करनी है फ्रेंड, आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ से आपको उस करला वीडियो को सिलेक्ट कर लेनी है, उसको कहाँ से डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली हम करला वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, इस करला वीडियो के साइज को थोड़ा छोटा करनी है और इसको हैप्पी करवा चौथ के टेक्स्ट के ऊपर लाकर अच्छी प्रकाश फिट कर देनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको नीचे आनी है, यहाँ जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लाइटिंग का, उसको सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा हैप्पी करवा चौथ का टेक्स्ट कलर हो गया है। अब क्या करनी है, आपको जिसके जिसके नाम पर ये वीडियो बनना चाहते हैं उसके उसके नेम को हॉट के अंदर लिखनी है। इसके लिए क्या करनी है फ्रेंड, आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस टेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ आप जिसके नाम पर ये वीडियो बनना चाहते हैं उसके नेम को लिख लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हम फर्स्ट नेम को लिख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको इस नेम के लेयर पर क्लिक कर इसको भी यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है, आपको फिर से इस डबल ए का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, जो कलर का ऑप्शन दिया हुआ है उसको क्लिक करनी है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, आपको फिर से यहाँ से नीचे आनी है, यहाँ जो आउटलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है उसको क्लिक करनी है और इसको भी यहाँ से अनेबल कर देनी है। इसके बाद क्या करनी है फ्रेंड, जो नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसको यहाँ से प्लस 5 पर सेट करनी है। इसके बाद आपको इस कलर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ से आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट करनी है। अब क्या करनी है, आपको यहाँ से बैक आनी है। बैक करने के बाद क्या करनी है फ्रेंड, जो शेडो का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ से इसको अनेबल कर देनी है। अब क्या करनी है, जो नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसको यहाँ से प्लस 5 पर सेट करनी है। इसके बाद क्या करनी है, आपको इस नेम के साइज को थोड़ा सा बढ़ानी है और इसको फर्स्ट ला हॉट के अंदर लाकर अच्छी प्रकाश फिट कर देनी है। हम हॉट के अंदर अच्छी प्रकाश फर्स्ट नेम को अच्छी प्रकाश फिट कर दी है। आपको ऐसे ही सेकंड नेम को लिख लेनी है। जैसे हमने फर्स्ट नेम को लिखा, फटाफट हम सेकंड नेम को भी लिख लेनी है। तो चलिए तो फ्रेंड्स, ये हम दोनों नेम को दोनों हॉट के अंदर अच्छी प्रकाश फिट कर दिए हैं। अब क्या करनी है, आपको इन दोनों नेम को कलर करनी है। इसके लिए क्या करनी है, आपको फिर से इस लेयर का ऑप्शन क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस मीडिया का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ से आपको उस करला वीडियो को सिलेक्ट कर लेनी है, उसको कहाँ से डाउन करें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से डाउन कर लीजिएगा। यहाँ आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, इस करला वीडियो के साइज को छोटा करनी है और इसको फर्स्ट लाइन नेम के ऊपर लाकर अच्छी प्रकाश फिट कर देनी है।
तो फ्रेंड्स यहाँ हम कलर वाला वीडियो को फर्स्ट नेम के ऊपर अच्छी प्रकार से फिट कर दिए हैं। अब क्या करनी है फ्रेंड, यहाँ से आपको नीचे आनी है। यहाँ जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली आपको इस ब्लेंडिंग का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइटिंग का, उसको सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा फर्स्ट नेम कलर हो गया है। अब क्या करनी है आपको, सेकंड नेम को कलर करनी है। इसके लिए क्या करनी है आपको, इस कलर वीडियो कलर पे क्लिक करनी है और ये थर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है। यहाँ आपको इस डुप्लीकेट वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही कलर वाला वीडियो का डुप्लीकेट लेयर बनकर तैयार हो जाएगा। अब क्या करनी है आपको, इस डुप्लीकेट लेयर को सेकेंड नेम के ऊपर लाकर अच्छी प्रकार से फिट कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड नेम भी कलर हो गया है। अब क्या करनी है आपको, फायर लाइट के लेयर को सिलेक्ट करनी है। इसके लिए क्या करनी है फ्रेंड, जो लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है और यहाँ आपको इस ओवरले का ऑप्शन क्लिक करनी है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फायर लाइट का, यदि आपने इस डाउन नहीं किया है तो नीचे गेट में का ऑप्शन क्लिक करके आप डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड सिंपली हम फायर लाइट का ऑप्शन क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको फोर्थ नंबर वाला फायर लाइट के लेयर को सिलेक्ट करनी है और यहाँ आपको इस फायर लाइट के लेयर पर क्लिक कर इसको यहाँ से बढ़ा देनी है। इसके बाद क्या करनी है आपको, इस फायर लाइट के साइज को बढ़ानी है और इसको स्क्रीन पर अच्छी प्रकार से फिट कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ फायर लाइट के लेयर को भी अच्छी प्रकार से फिट कर दिए हैं। चलिए अब प्ले कर सकते हैं हमारा वीडियो कैसा बना है। फ्रेंड्स यहाँ हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया है, बस इसको एक्सपोर्ट कर लेनी है। इसके लिए क्या करनी है फ्रेंड, जो शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करनी है। यहाँ अपने वीडियो को जितने साइज में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उतने साइज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।